गरीबों को कभी मकान नहीं मिल पाया, शौचालय नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पाया, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन नहीं मिल पाया, नौजवान के लिए रोजगार के लिए और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। पहली बार हुआ है जब इस पर सोचा जा रहा है। जब दुनिया कोरोना से स्वस्थ थी तब डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। हर व्यक्ति तक भरण पोषण भत्ता, फ्री में राशन की व्यवस्था, इसको करने के प्रयास हो रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रही थी और भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव के नाम पर 1000 वर्ष तक जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को विस्मृत कर दिया था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के नाम पर दुनिया के अंदर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ और मऊ के बॉर्डर पर बनाने का काम कर रही है। नए कॉलेज उसी से संपन्न हो रहे हैं, वहां पर नियुक्तियां प्रारंभ हो चुकी है, वहां पर नया पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, परीक्षाएं भी नए उसके कहा वही लोग देंगे। नया विश्वविद्यालय नए पाठ्यक्रम के साथ यहां के नौजवानों के बेहतर भविष्य की तस्वीर को प्रस्तुत करने जा रहा है। औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से इन संभावनाओं को विकसित करना होगा। निवेश के लिए पूर्ण वातावरण हम लोगों ने बनाया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वह पाताल के अंदर भी छुपा होगा वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला।